और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगठन के लिए भी संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम बीडी शर्मा जी ने करे हैं। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आइए, मगर मुझे एक बात अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया है। खैर, अब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मुझे बात करनी है, मगर मैं पहले थोड़ी बात कुशाबाऊ ठाकरे पर जरूर करना चाहता हूं। एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाबाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते थे। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है और वो ही बात कुशाबाऊ को महान बनाती है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाबाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का आया है। सालों तक कुशाबाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तृत्व से पढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाबाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाबाऊ को जानते हैं, क्योंकि कुशाबाऊ एक लंबे अरसे तक गुजरात के प्रभारी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया। कुशाबाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाबाऊ को जानना पड़ेगा, इस प्रकार के नेता कुशाबाऊ थे। और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे, बगैर कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता। मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता, विधानसभा क्षेत्र आप आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था, मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने ऐसा वातावरण हुआ था। और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाबाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाबाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा, कुशाबाऊ क्यों आए, कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता है। कुशाबाऊ जी न आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता, पग में इतनी सूजन थी, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, परंतु कोई नहीं बोल सकता। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी तो मैं वहीं था, वहां एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण गणवेश का कार्यक्रम था, कुशाबाऊ उस वक्त भी काफी बीमार हो चुके थे। पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम में जाना था, कुशाबाऊ ने बाकी सब तो गणवेश पहन लिया, पग में सूजन इतनी थी कि नीचे काले बूट नहीं पहन पाए और चले गए, किसी स्वयंसेवक ने रोक दिया, एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी
वापिस चलाया, एक स्वयंसेवक को कहा भैया मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण गणवेश पहनकर आना है, मैंने नहीं पहना है। ये विनम्रता, ये सहजता उषाभाव में थी। उषाभाव अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थे कि भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे। धार से जन्म लेकर जब तक जीवन रहा, पूरा जीवन संघ के विचार को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा और पूरे मनोयोग से, हर कठिनाई से पार्टी को निकालने में अग्रेसर रहे। 19 महीने जेल में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, मगर उषाभाव कुछ भी बने वो हमेशा उषाभाव ही रहे। इतना सरल, सहज और विरल व्यक्तित्व आज उसकी जन्मशती बन रही है और उस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने उनकी जन्मशती के जो व्याख्यान मालाएं रखी है उसमें बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं तो बीडी शर्मा जी का बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चा है देश भर में, कई हुई। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब विवाद जरूर, किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की, क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी है। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ है कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी को लगता है हाँ मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा, हाँ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे मूल विचारों के आधार पर बनी हुई पहली राष्ट्रीय नीति। अंग्रेजों के हाथ में जब से शासन आया तब से हम कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों से भटके। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं है, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लास खड़े करना नहीं है। नौकरी तो सब करते हैं परंतु केवल क्लास खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे को मूल स्रोत से परिचय कराना, उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है। और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। मित्रों, दुर्भाग्य से एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार
रटा रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में ले जाना। बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके न केवल सफल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं था। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा अध्ययन आप करेंगे, उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है, किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है, कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को अनुसंधान R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है, कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है, ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में उड़ा ले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहां शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णायक, निर्णय लेने की क्षमता लेने की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एजुकेशन उसको आना चाहिए और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एजुकेशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति, सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की
शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार है मित्रों। देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करती है, करनी होती है, तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है, और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में, तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है, तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए, वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है, वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्वगति प्रदान नहीं करती है, वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है, वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है, तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं, वो वटवृक्ष करकर न केवल भारतवर्ष, समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे महामानव बनकर यहां निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे, तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है, वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है, वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है, वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मिति न हो, वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है, तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति के अंदर, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर अभी जो शिक्षा नीति पहले थी, इसका वो हमारी शिक्षा पद्धति का मूल स्वभाव नहीं था। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर आए हैं, वो हमारी मूल शिक्षा के आधार पर है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है, और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को नहीं है। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति के 100 पेज के दस्तावेज आप एक पुस्तक मत मानिए। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है, इसके शब्दों का गहन अर्थ समझने का प्रयास भी किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं
ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, एक ग्रंथागार है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक ही 100 पेज के पुस्तक के अंदर समाहित कर दी गई है। इतना सारा इसके पड़ा है कि इसको अपरेंटली अगर आप पढ़ लेंगे, ऊपर तप के पढ़ लेंगे, तो इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। इसके 5 प्रमुख स्तंभ है: सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर, 5 प्रमुख लिंब के आधार पर शिक्षा नीति को ऊपर उठाया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 की जो व्यवस्था है उसको बदलकर 5-3-3-4 की नई शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। वो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि शिक्षा के अनेक प्रकार के स्तर और ये हर स्तर पर शिक्षा को नए आयाम के साथ बच्चे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक लेवल पर, एक स्तर पर बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। उस वक्त उसके पास सारे ऑप्शन खुले हो और उस वक्त वो निर्णय कर पाए, इतनी सक्षमता भी उसमें। इस प्रकार से 5-3-3-4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर नए पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले हैं। और नए पाठ्यक्रमों में मैंने कहा, जैसे कहा कि मन की शक्ति को बढ़ाना, मन की शक्ति को बढ़ाना, ये मूल चीज पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मुख्यधारा की शिक्षा के बरोबर ही इसको सम्मान देकर हमने इसको स्थान दिया है। भारतीय भाषाएं, हमारी कलाएं और हमारी संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी। मित्रों, आज मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं जब गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आया, तब हमारे एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे। मैं उस वक्त मेरी हिंदी को ठीक ठाक कर रहा था, हर रोज दैनिक जागरण अखबार का एक पेज लेकर हिंदी से गुजराती का अनुवाद कर मेरी हिंदी को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। तो सुबह 10:30 बजे, 6 से 6:30 से 10:30 बजे तक एक ही काम होता था, नाश्ते के अलावे मेरी हिंदी को ठीक ठाक। जब हमारे नेता को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत हिंदी के पीछे कर रहे हो, हिंदी तो तुम सीख ही जाओगे, अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं करते। मैंने बोला, हिंदी से अंग्रेजी सीखने में बहुत सरल भाषा, मगर मेरे मन में ऐसा हीन भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मेरी स्वीकृति नहीं आएगी। मेरी भाषा के आधार पर ही देश भर में मेरी स्वीकृति लाना, ये मेरा लक्ष्य है। अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कई प्रकार की हीन भावना भारतीय समाज के अंदर निर्मित, एक लघुता ग्रंथि का निर्माण। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं थी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने शून्य ढूंढा है। उनको मालूम ही नहीं है खगोल शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत हमारी ही शिक्षा पद्धति ने ढूंढे। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। इन्होंने एक ही भावना कही, खड़ी करी, जो अंग्रेजी बोलता है आज भी, उसको हम जरा अहोभाव के साथ देखते हैं। मित्रों, में यहां सारे शिक्षाविद बैठे, उनके सामने बड़ी विनम्रता से कहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भाषा के अंदर नहीं। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई उसको, इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। अनेक प्रकार की हीन भावनाएं हमारे अंदर, समाज के अंदर खड़ी गई है। हीन भावनाओं को, समाज को त्याग करने का समय आ रहा है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को समाहित करते हुए, सुरक्षित करते हुए ढेर सारे अनुसंधान, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं करते। और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार, मैंने पुस्तक देखी भी,
और जब बच्चा अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में सोचता है, तो उसको मौलिक चिंतन करने का एक मौका मिलता है, और जब अन्य भाषा में सोचता है तो उसकी सोच कुंठित हो जाती है। अगर उसकी सोच को उन्मुक्त बनाना है, उसकी सोच को उन्नत बनाना है, तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उसको मौका देना चाहिए। और मोदी जी ने आज समग्र विश्व के अंदर यह तय किया है, कोई भी बड़े से बड़ा फोरम हो, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो फर्राटे की हिंदी में भाषण करते हैं, और पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है और मान। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये हीन भाव से लघुता ग्रंथि से समग्र समाज को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को बच्चा तभी जान सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में, तभी ये जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो सोचेगा, तभी वो जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो लिखेगा, और ये उसका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है, त्रिभाषा के सूत्र को स्वीकार कराया गया है, ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी, और उसी में से मुझे विश्वास है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े क्षमतावान नागरिक हम पैदा कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी बच्चे को अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमारे यहां तैतरेयी उपनिषद के अंदर पंचकोष की जो शिक्षा पद्धति का वर्णन है उसको समझे बगैर नहीं कर सकते। अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की यात्रा जिस बच्चे ने नहीं करी होगी उसको ये कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। मैं तो उसी प्रकार की विद्या से मुझे पढ़ाया गया है, मैं जानता हूं कि तैतरी उपनिषद क्या है, मगर तैतरी उपनिषद की टेक्निकलिटी में जाने उगर अन्न कोष से लेकर आनंदमय कोष की पूरी यात्रा हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इनबिल्ट है, और प्राथमिक शिक्षा इसी के आधार पर होने वाली है। ये बहुत बड़ी हमारे मूल संस्कार को आधुनिक रूप से बच्चों के सामने रखकर उसकी सारी ऊंचाइयों से अवगत कराना, उसकी सारी ऊंचाइयों का फायदा उनको हो, उनकी सारी ऊंचाइयों का उनको अनुभव मिले और वो अपने आप को विश्व मानव बना पाए, इस प्रकार का एक प्रयोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने करने के लिए हमने सभा है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन ये नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा उसको भी सभी स्थानीय भाषाओं में, सभी राज्य की भाषाओं में संशोधित किया जाएगा, और विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली नए अभ्यासक्रमों की रचना के लिए भी काम करेगा। इसमें टीचर ट्रेनिंग का भी काम है, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इस पर बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, बहुत भार दिया गया है। और ये जो भाषाओं का हमारा आग्रह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लचीला बनाने का भी सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, भाषा अगर लचीली नहीं बनती तो भाषा समाप्त हो जाती है। भाषा ने सबको स्वीकारने की खुलापन होना चाहिए, वो खुलेपन को भी इसमें शेष रखा, स्पेस रखी है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक परीक्षण की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस कक्षा में वो जा जाए। दसवीं कक्षा में, छठी के बाद दसवीं कक्षा में एक अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपनी वो करियर, मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि दसवीं कक्षा में इसकी करियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी, वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है, और जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ पाएगा। स्ट्रीम चाहे कोई भी चुने, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक
प्रत्येक जिले में मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हम लाने वाले हैं, जिसे दुनिया भर का ज्ञान यहां है और यहां का ज्ञान पूरी दुनिया में है। एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं मानता हूं अगर नई शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन ढंग से होगा तो दुनिया भर के लोग यहां पढ़ने आ पाए ऐसी पूरी संभावना मैं यहां पर देखता हूं। मैंने दुनिया भर में जितने भी रिसर्च, इसको अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय व्यक्तियों ने करे हुए रिसर्च ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। मगर वो R&D पर थ्रस्ट नहीं दिया गया था, नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान पर भी बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु विषय शैक्षिक पाठ्यक्रम का संस्थान बनाने का भी लक्ष्य रखा है। तो 2020 से 2040 की यात्रा जब हम समाप्त करेंगे तब हम काफी आगे निकल गए होंगे और दुनिया भर को यहां लाने का एक आकर्षण का केंद्र बने होंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को हमने 3 साल से 4 साल बढ़ाने का काम किया है, जिसमें वो इसलिए किया है कि विकल्प बहुत ज्यादा बच्चों के सामने रखे, वो अपने विकल्प चुन सके। नीचे अगर कोई और स्ट्रीम का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब विकल्प बदलना है तो उसको 4 साल के अंदर पूरा आत्मसात कर सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया है, जिससे इतने बड़े देश में भाषाओं की तो विविधता हो सकती है, टैलेंट में विविधता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं का कोर्स, उसका अभ्यासक्रम एक ही होगा, परीक्षा भी एक ही होगी। इस प्रकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी एक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थान देकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का भी हमने एक बहुत अच्छा इसके अंदर विचार रखा है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसको हायर एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये 4 वर्टिकल के माध्यम से पूरी हायर एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी संभावना को इस शिक्षा नीति के अंदर हमने रखा है। और ये 4 वर्टिकल एक बार बन जाते हैं तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर ढेर सारी अनुसंधान और ढेर सारे सुधार होने की संभावना मैं देख रहा हूं। ई लर्निंग पर भी बहुत वजन से, बहुत भार देकर, थ्रस्ट देकर चीजों को रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी अलग प्रकार के अभ्यासक्रम बनाने का काम किया है। मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का और क्लस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है। मैं इसकी बहुत टेक्निकल बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय जो बनेंगे इसके अंदर ढेर सारे विश्व भर के बच्चों को समाहित करने का एक प्लेटफॉर्म होगा। और क्लस्टर्स जो बनेंगे वो बहुआयामी बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे, तो इसके माध्यम से हमने आगे बढ़ाए। और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा जो R&D को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। रिसर्च एंड इनोवेशन को हमने बहुत साल तक इग्नोर किया। मित्रों, GDP अमेरिका के GDP के 2.8% R&D के पीछे खर्च होता है, दक्षिण कोरिया के 4.2%, इजराइल के 4.3% और भारत के आज भी 0.7% होता है, वो भी टेक्निकल रूप से। एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं है, मगर क्योंकि प्राध्यापकों की तनख्वाह यहीं से जाती है तो आप 0.7% करना ही पड़ेगा। इसको एक नए स्वरूप हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ये नई शिक्षा नीति के अंदर लोगों के सामने रखा गया है। भारत जैसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी है तो नॉलेज क्रिएशन के बगैर वो नहीं हो सकती। हमने टेक्नोलॉजी को और हर एक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर रखी है। क्लाइमेट चेंज जैसे एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हमने रखी है।
मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति जब अमल में आएगी तो रिसर्च पर फोकस करने वाले होनहार युवा बाहर आएंगे जो हमारे देश को अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने इसके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम किया है। मित्रों, अभी शिक्षा नीति आने के पहले ही 8 साल के अंदर हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे हैं। 2013-14 में जीडीपी का 3.84% खर्च होता था, 19-20 के बजट में 4.39%। इतनी बड़ी बढ़ोतरी, भारत का जीडीपी कोई कम नहीं है, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कही है। और समग्र शिक्षा 2018-19 में एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू की गई। इसके अच्छे नतीजे 2 साल में हमने देखे हैं। जो लोग इसके नतीजों का एनालिसिस करते होंगे, मैं करता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि समग्र शिक्षा का एक नया स्वरूप एकीकृत योजना का जो हम लेकर आए हैं वो बहुत परिणामदायी बनने वाला है। और उसको हमने NEP के साथ, इसकी सिफारिशों के साथ भी जोड़ा है। समग्र शिक्षा की उपलब्धियां मैं बताऊं तो ढेर सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया गया है, आवासीय विद्यालय और छात्रालय बनाए गए हैं और अपग्रेड बहुत सारे स्कूलों को किया गया है। इसके साथ साथ इतने बड़े देश में लाखों, शायद करोड़ों टीचरों की ट्रेनिंग बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। कंसेप्चुअली ट्रेनिंग करना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिजिकल करना है, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए ढेर सारे परिवर्तन टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर, निपुण भारत मिशन, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर व्यवस्था के लिए विद्या प्रवेश, पूरी स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, विद्यांजलि, भारत के पुराने ज्ञान को एकीकृत करने के लिए इसके लिए सब रखा गया है, निष्ठा, शिक्षा में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमने रखा है, FLN जो स्कूली बच्चों को रिसर्च करने की व्यवस्था देता है, सार्थक, उनको मुख्य धारा में वापस लाने के, जो आगे निकल गए उनको मुख्य धारा में वापस लाने की व्यवस्था करी गई है, और समग्र शिक्षा का एक संरेखण करने का, एकीकृत शिक्षा का कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम को जब तक आप नहीं समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना बहुत दिक्कत है। 2014 से लेकर 2022 तक मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर कहना चाहता हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री 2013-14 में 96.5, अच्छा ही माना जाएगा, मगर इससे संतोष नहीं है। हमने जो परिवर्तन करे हैं 2021-22 में 96.5 से बढ़कर 99.4 तक एनरोलमेंट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। नेट एनरोलमेंट वो भी बढ़कर 88.9% से बढ़कर 92.7%, बहुत बड़ी उपलब्धि। ड्रॉप आउट इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी और ड्रॉप आउट हुए बच्चे, उनको, वो अबोध बच्चों को मालूम भी नहीं है कि वो पूरा जीवन कैसे अपना निकालेंगे। वो जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो बच्चों को ड्रॉप आउट न होने दे, इसकी शिक्षा पूरी हो तब तक की चिंता करें। और ड्रॉप आउट ऑल जो अब है वो पहले 4.2 था, अब 1.3%, मतलब लगभग शून्य की दिशा में हम गति कर रहे हैं। कई सारे मेरे क्षेत्र के 5 स्कूलों का मैंने भी एनालिसिस करा था, वहां 0.25% है, मगर 0.25% क्यों हो, तो पिताजी कहीं ट्रांसफर हो गए, कहीं माता पिता दोनों का मृत्यु हो गया, इस प्रकार के भी कारण होते हैं, मगर उसको भी समाज ने जवाबदेही के साथ, जागरूकता के साथ जीरो ड्रॉपआउट रेशियो लाने के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति के अंदर करे हैं। उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम घटक को बहुत महत्व दिया गया है। काम करते करते बच्चा अगर उच्च शिक्षा लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से ले सकता है।
और इसकी क्रेडिट पाठ्यक्रम की क्रेडिट जो 20% थी उसको 40% कर दिया। तो इससे लगभग लगभग अब तक 153 से अधिक विश्वविद्यालयों ने स्वयं पाठ्यक्रम को अपना लिया है। अगर ये पाठ्यक्रम को और पॉपुलर बनाते हैं तो रोजगारी प्राप्त करने के साथ साथ बच्चा अपनी शिक्षा भी समाप्त कर सकता, कुछ नौकरी कर लेगा, माँ बाप पर बोझ नहीं पड़ेगा, शायद इसकी स्थिति भी नहीं है कि वो पढ़ पाए, परंतु नौकरी करते करते स्वयं के माध्यम से वो पढ़ पाए। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत समय ज्यादा, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी महानुभव यहाँ है इसको हमने डिटेल स्टडी करना है। एक सरकार कभी भी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक शिक्षक और प्राध्यापक का इसको सहयोग न मिले और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी न बने। तो शिक्षक और प्राध्यापक का परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग लेना वो बहुत जरूरी है, और वो सहयोग तभी मिल सकता है जब आप स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभ्यास करेंगे और इसकी खूबियों से बच्चों को अवगत कराएंगे। मित्रों, विश्व स्तरीय अवसंरचना और संस्थान, इसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। 99 संस्थानों को आइडेंटिफाई कर 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने सिर्फ 100 संस्थानों के अंदर किया, क्योंकि उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं और स्पर्धा से किया, इसमें कोई किसी की सिफारिश से नहीं हुआ, ऑनलाइन स्पर्धा और पैरामीटर्स, कठोर पैरामीटर्स तय कर इसके अंदर से सबको लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है शायद 5 साल के बाद जब विश्व स्तरीय संस्थानों का इंटरनेशनल तालिका बनेगी उसमें भारत के संस्थान 1 से 10 के अंदर हमें जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और पीछे एफर्ट्स भी लगा है। ये हमारी शिक्षा नीति का बहुत बड़ा पहलू एक ये भी है, और इसके कारण लगभग 35 भारतीय विश्वविद्यालयों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में अपना स्थान निश्चित कराया। अभी तो 50 के अंदर है, परंतु मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि 1 से 10 के अंदर करेंगे तब जाकर पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए। तो हमने शिक्षा के हर डायमेंशन, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई डायमेंशन को हमने शिक्षा के हर डायमेंशन को टच किया है, इसको बच्चों को रीच करने का स्वतंत्रता दिया है और उसको सक्षम करने के लिए भी सरकार ने पीछे से मदद करा है। मित्रों, JEE नीट और IAS IPS की सभी एग्जाम 12 भारतीय भाषाओं में आज बच्चा दे सकता है, वो अपनी भाषा में अपने माध्यम में पढ़कर भी किसी भी प्रकार का परीक्षा, ये लग्जरी इसको उपलब्ध नहीं थी। और इसका मतलब क्या है, मैं आज थोड़ा विषयांतर तो नहीं है मगर एक अलग प्रकार का उदाहरण लेकर समझाता हूं। मैं बहुत सारे कोर्ट केसों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। कांग्रेस सरकार ने ढेर सारे केस डाल दिए थे एक जमाने में, तो कोर्टों में लड़ना भी पड़ा, अगर सालों तक लड़ा हूं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट की अदालत में, कानून की अदालत में आर्ग्यूमेंट करते हुए इतने बड़े बड़े वकीलों को मैंने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे से अच्छे वकील से ज्यादा उसके कानून के लॉ के फंडामेंटल्स क्लियर थे, मगर वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अब मुझे कोई बताएगा कि वो जब बच्चा था उसके गांव में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल ही नहीं थी, साला ही नहीं थी, इसका क्या दोष है? अंग्रेजी के मोह के अंदर हम हमारे टैलेंट का 5% ही उपयोग देश के विकास में कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं, क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं है? हमने हमारे विकास को सीमित कर दिया। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा देश की हर व्यवस्था के अंदर इसकी पूछ होगी, भारत विश्व के फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। इसलिए क्योंकि 5% टैलेंट का उपयोग करते हुए भी
मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत आज आगे है। 100% टैलेंट अगर देश के विकास के अंदर देश को सम्मान दिलाने के लिए और दुनिया के अंदर अपना डंका बजाने के लिए काम में आता है तो मुझे विश्वास है कि ये पूरी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए जेईई और नीट में 12 भाषाओं हमने परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया है। 13 भाषाओं में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस डे CUET को भी आयोजित किया गया है। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं हिंदी तमिल कन्नड़ तेलुगु मराठी बंगाली और अब गुजराती में भी हम इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम MTech तक का बना दिए हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई अब चालू हो रही है। मेडिकल का अभ्यासक्रम शिवराज जी ने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कर दिया है, कुछ ही समय में इसका शुरुआत होगा। मेरा उनसे आग्रह है मुझे जरूर बुलाए क्योंकि मैं इस बात का बहुत आग्रह हूँ कि हमारी भाषाओं के अंदर मेडिकल और टेक्निकल इंजीनियरिंग का पढ़ाया। हायर एजुकेशन के लिए हमने ढेर सारा काम किया है, तो आंकड़े बताना मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ढेर सारी बढ़ोतरी की है। IIT में 7 बढ़ाए, IIM 7 बढ़ाए हैं, IIITS को 16 बढ़ाए हैं, एम्स 15 बढ़ाए हैं, मेडिकल कॉलेज 209 बढ़ाए हैं, कुल विश्वविद्यालय 320 बढ़ाए हैं और कॉलेजों की संख्या में 5709 की बढ़ोतरी 6 साल। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे, हमने पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये 8 साल के अंदर पूरा कर दिया है और कोरोना काल होने के बावजूद भी 2 साल में शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रगति है इसको बाकी जब जब शिक्षा नीतियां आई कुछ शिक्षा नीति तो बुक में ही रह गई नीचे जमीन पर उतरी ही, मगर कोरोना होने के बावजूद भी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा प्रगति किया है। मित्रों मैं शिक्षाविद नहीं मगर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, शिक्षा के साथ जुड़ा भी हूं, रुचि भी है क्योंकि जिसको भारत के निर्माण में रुचि है उसको शिक्षा के अंदर रुचि रखनी ही चाहिए। अगर मेरे सामने आप सब लोग को देखते हो चाहे उच्च शिक्षा में काम करने वाले हो, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर काम करने वाले हो या सेकेंडरी में, आपने समग्र शिक्षा नीति को इसके सार के साथ शब्दों से नहीं इसके अर्थ को पढ़कर इसको विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा। चाहे आप हायर एजुकेशन के अंदर काम करते हो, कोई हायर एजुकेशन के अंदर वयस्क बच्चे आते हैं तो उसका छोटा भाई होगा, उसको भी फ्यूचर में बच्चा आएगा। एक बार नई शिक्षा नीति को जन जन के मन के अंदर सरलता से स्पष्ट करने की जरूरत है, ये कर देंगे तो मैं इसके अंदर मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत के निर्माण का बीज देख रहा हूं। ये बीज जो 2020 में बोया है वो 20 साल आते आते एक वटवृक्ष बनकर न केवल भारत समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा, समग्र विश्व को विकास देने का काम करेगा और वसुदेव कुटुंबकम के अपने कल्पना को चरितार्थ करेगा। फिर से एक बार आप सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन अध्ययन करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और उसके सार को उसके अर्थ को आप विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, यही अभ्यर्थन करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आप देख रहे थे।